जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव जो जयपुर जेल से आने के बाद मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी थी, उसका मौका जो है वो समय और परिस्थिति कारण पहले नहीं लग पाया, तो आज 7 तारीख को ये तय किया गया कि 7 तारीख को आप लोगों से बात। तो आज का लाइव राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा था CHA का और वहां की सरकार द्वारा क्या किया गया, ये सब जानने का मौका जो है और उसके साथ साथ भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, जिनकी वजह से आज भारत में शोषित वर्ग के लोगों को अधिकार हैं, उनका जानवर का जो जीवन, जानवरी जीवन जो जी रहे थे उससे वो मनुष्य के जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन सभी महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं और आधुनिक भारत में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, महामना राम सुख वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, ऐसे जो महापुरुष तो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में जो, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन अपने लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, जो समाज के लिए जीता है, देश के लिए जीता है, ऐसे महापुरुष जो इतिहास में अजर अमर हैं, उन सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं। साथियों, हम लोग 1 तारीख में हमने वहां घोषणा की है, की थी राजस्थान में आजाद समाज पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रोफेसर राम लखन मीणा जी को आजाद समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके बाद 2 तारीख को आंदोलन था, 12 बजे लगभग मैं सोया था, लेटा था, तभी जयपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके हमें थाने ले जाया गया और अगले दिन एक धोखा देके ये कह के कि कोर्ट में पेश करेंगे और फिर चुपचाप जो है 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी का जो है JC का हमारा ऑर्डर करके और हम 22 लोगों को जयपुर सेंट्रल भेज दिया गया। ये सरकार द्वारा किया गया धोखा था। मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को दोषी दूं, गहलोत सरकार को, तो ये कम होगा। ये सत्ता का चरित्र है, जो भी सरकार होती है वो नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो, उनके खिलाफ कोई बगावत हो, उनके प्रदेश में कोई इस तरह का माहौल बने जो सरकार के लिए खतरा हो, क्योंकि 28,000 से अच्छे परिवार हैं कोविड हेल्थ सहायक जो हैं, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जिनकी लड़ाई लड़ने का फैसला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया था, जिनको उम्मीद है कि हमारे आंदोलन के जरिए और हम जो सहयोग उनको करने वाले हैं उनसे उनका आंदोलन सफल होगा। तो राजस्थान सरकार ने जो किया वो एक सरकार जो होती वो ऐसा ही करती। मैं BJP और कांग्रेस में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि मैंने उस दिन भी जवाब दिया था कि जब कांग्रेस के नेताओं पे BJP सरकार कार्रवाई करती है तो BJP के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़कों पे धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि BJP सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जो राजस्थान में हुआ वो भी सरकार का दुरुपयोग था। सरकार को चाहिए कि जब उन्होंने हमें आंदोलन करने से रोका तो 3 तारीख में RSS और BJP का जो आंदोलन था उसको उन्होंने क्यों होने दिया। मैंने जो करीब से देखा उससे स्पष्ट होता है कि जैसे पाली में का जो आंदोलन हो, फिर उदयपुर में हम लोग आए थे तो उस दिन धारा 144 लगा के वहां के DMSSP ने हमें रोका कि माहौल खराब है, लेकिन उसी दिन शाम में 5 बजे RSS का पथ संचलन होता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली कांग्रेस की सरकार जो BJP के धुर विरोधी होने की बात करती है, वही वहां उस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत वहां BJP RSS को बल देते हैं, वहां करौली जैसा दंगा होता है। और लेकिन करौली जैसे दंगे के बाद
लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल होता है कि रात को दंगा होता है, फिर सुबह दंगा हो जाता है, फिर दोपहर में दंगा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को बल देने का काम वहां की सरकार कर रही है। वो नहीं चाहती वहां तीसरा मोर्चा खड़ा हो, वो चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस बनी रहे। और हम ये चाहते हैं कि अब जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो बहुजन समाज है, उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि 70-72 साल की राजनीति में हमने देखा कि इन लोगों को, इन सरकारों को हमने मौका दिया, लेकिन आज भी हमारी स्थिति वही बनी हुई है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की स्थिति वही बनी हुई है। अगर वो खुद मेहनत नहीं करेंगे तो शायद उनके बच्चों को शाम का भोजन ना मिले। इसलिए मैं अपने साथियों के सहयोग से और उनके विचारों के अनुरूप वहाँ तीसरा मोर्चा हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल में जितने त्याग, बलिदान, ईमानदारी से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के वहाँ काम किया है, तो आने वाले कल में उनके काम के जरिए हम लोग वहाँ एक ताकत और विकल्प बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सारा ध्येय जो है वो वोट पे था कि वोट की वैल्यू समझ के बहुजन समाज एकजुट हो और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेके, कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में ले, नीतियां बनाने की ताकत अपने हाथ में ले। अभी तक बहुजन समाज अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझ पाया। वो स्वर्ण जाति द्वारा जो आधारित पार्टी बनी, उनका पिछलग्गू बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने ये पिछलग्गूपन उनको छोड़ देना चाहिए और टुकड़ों बटे बहुजन समाज को एकजुट करना चाहिए। तो फिर अगले दिन संडे था, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, क्योंकि 3 तारीख का आंदोलन आरएसएस बीजेपी का वहां सफल कराना था मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हम 22 लोगों को जेल भेजा गया। मंडे के दिन हमारे वकीलों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वहां की टीम ने मेहनत की, पूरे देश के लोगों ने ज्ञापन दिया, तब जाके उन्होंने हमारी बेल बाउंड जो है वो एक्सेप्ट किए। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान सरकार का फेलियर है कि वो सरकार का, तो वो सरकार जो है आम आदमी को तो रिलीफ नहीं दिला पा रही, लेकिन वो शोषण ज्यादा कर रही है उन वर्गों का जिनसे उन्होंने वोट लिया और जिनके लिए उनको काम करना था। मेरे आज भी याद है जब 2 अप्रैल 2017 का आंदोलन हुआ, तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ और इस सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इनके नेताओं ने भरोसा दिलाया कि जो झूठे मुकदमे बीजेपी के लोगों ने, हम उनको वापस लेंगे। फिर 2019 में नहीं लिए गए, 19 में इस नाम पर वोट लिया गया, फिर उसके बाद जो है पंचायत चुनाव में इस नाम पर वोट लिया गया, लगातार इस नाम पर वोट लिया जाता रहा और अभी तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए। आज भी वहां अधिकारी कर्मचारी बीजेपी शासित राज्यों की तरह पीड़ित हैं, सताए जा रहे हैं। तो इस सरकार को ज्यादा दिन अवसर देने का मतलब ये है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैं वहां के बहुजन समाज से भी निवेदन करूंगा कि अपनी लड़ाई को समझे। एक धन्यवाद मैं पूरे चाहता हूं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का, उन शुभचिंतकों का, जिन्होंने, जिनको इस बात की फिक्र थी कि गहलोत सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, स्पेशली भीम आर्मी के कार्यकर्ता, क्योंकि उन्होंने, हम 22 लोगों की रिहाई के लिए पूरे देश में प्रोटेस्ट किया। मुझे समय नहीं मिला साथियों, मैं बात नहीं कर पाया आपसे, क्योंकि मैं रिहा होने के बाद मेरे पास जिम्मेदारी थी कैडर कैंप की, तो मैं इसलिए लखनऊ चला गया, 2 दिन वहां रहा। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के पिताजी, जिनके जब उनकी डेथ हुई, मैं उसमें भी शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ कैडर के लिए जा रहा था, तो आज मैं उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुआ। तो मैं समझता हूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, लेकिन जिन साथियों ने मेहनत की है, संघर्ष किया, जिन्होंने आवाज उठाई, उन साथियों का धन्यवाद करना मेरी जिम्मेदारी है। आपने मुझे बल दिया, आपने इस लड़ाई को और मजबूत किया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ऋणी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इस लड़ाई को ऐसे ही हम लोग जारी रखेंगे। बस आप सहयोग से अपने यहाँ मजबूत संगठन बनाते रहिए। जो अपमान राजस्थान सरकार द्वारा किया, मुझे विश्वास है कि भीम आर्मी का समर्पित, मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील और मेरा गरीब कार्यकर्ता इस अपमान का बदला जरूर लेगा। वो वहाँ मजबूत संगठन बनाएगा और अपनी राजनीतिक शक्ति बनाएगा, और राजनीतिक शक्ति के जरिए जिन अधिकारी कर्मचारियों ने हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण किया, उनको भी एक बार ये एहसास दिलाना जरूरी होगा कि वो ये समझें कि सरकार परमानेंट के लिए नहीं होती, सरकार तो आती जाती रहती है। इस तरह का व्यवहार और इस तरह से किसी पार्टी या कार्यकर्ताओं का शोषण या उनके अधिकारों को छीनना, ये अच्छी बात नहीं। CHA के जो बहन भाई हैं, वो मुझसे बाद में मिले थे, मैंने उनसे वादा किया कि उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। CHA के अलावा भी वहाँ रीट में भी कई ऐसी भर्तियाँ हैं, SI की, पुलिस की, सब में घोटालों की खबर है। उन सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे, वहाँ की प्रदेश कमेटी मिलकर वो कर रही है, वहाँ की लीडरशिप काम कर रही है।
अनिल धिलवाल जी हैं, जितन अठवाल जी हैं, हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राम लखन मीणा जी, हमारे भीम आर्मी के जो संयोजक हैं प्रदेश के सुमित सहगल जी, सुनील भिंडा जी, तमाम जो हमारे साथी हैं सीनियर जूनियर जो अच्छे साथी वहाँ काम कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुकेश बैरवा जी, मुझे विश्वास है कि जो सरकार द्वारा किया गया उसके बाद वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से उन्होंने पहले मेहनत की अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले कल में राजस्थान में बहुजन समाज की राजनीति कामयाब होगी और इस आंदोलन के जरिए शोषित वर्ग के लोगों में बड़ा नेतृत्व तैयार होगा। तो जब बात के सीएचए के आंदोलन की, तो मैं सीएचए के साथ जो मुझे सुन रहे होंगे मैं उनको ये कहना चाहता हूँ वो तैयार रहें, वहाँ की टीम से बैठ कर रणनीति बना लें, जिस तरह की रणनीति वहाँ आप बनाएंगे उस तरह से हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से, आपकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अभी हम लोग वहाँ राजस्थान सदन में नहीं है इसलिए सड़कों पर लड़ेंगे, हमारा प्रयास है कि हम सरकार को मजबूर करें, आपको अपनी एकता बना के हमें इस लड़ाई को लड़ने का अवसर को देना चाहिए और देखना चाहिए कितने मजबूती से हम आपकी इस लड़ाई को लड़ें। और भी जो अन्य वहाँ आंदोलन है सक्रिय रूप से मैं शामिल होकर उन आंदोलन करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि एक मजबूत संगठन बनाइए जिससे कोई सरकार तानाशाना हो और आपके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र ना करे, नुकसान ना पहुँचाए। इस वजह से मैं आगरा भी 4 तारीख में नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ मैंने वादा किया था कि वहाँ मैं आऊँगा, वहाँ एक दलित बच्चे की हत्या हुई थी और मैं हमारा प्रयास था कि जल्दी से जल्दी उसमें गिरफ्तारी हो, मैं बहुत जल्द उनके परिवार से मिलने जाऊँगा। मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की थी, मुझे भी खबर है कि वहाँ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिर भी उस परिवार से मिलने जाऊँगा। मैं पूरे देश में बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के, आज उनसे अपील कर रहा हूँ कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को मजबूत करना है और हमें किसी के पिछलग्गू नहीं बनना है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, हमारी एक ही पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, हमारा एक ही संगठन है भीम आर्मी, और इस संगठन को अपने खून पसीने से सींच के हम ताकतवर संगठन बनाएंगे जिसकी एक ललक से एक ललकार से सरकारों की जमीन सरक जाएंगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसे इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मजबूती से काम करें, क्योंकि कोई सरकार आपको थाली परोस के आपके अधिकार नहीं देगी, आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा ऐसा भी मानना है कि टुकड़ों बटा बहुजन समाज को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो हमने ली है उसमें भी आप योगदान देंगे और आप अब पिछलग्गू समाज न बनके शासक समाज बनने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उस कीमत को उस संघर्ष को भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं उन बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, साथियों का, एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराया, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इतने ताकतवर हो जाएं कि आपके एक कार्यकर्ता को छूने से पहले सरकार को एहसास हो कि उन्हों किस संगठन के कार्यकर्ता को छूने और इसके परिणाम क्या। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अनुशासन में रह के अपने आंदोलन को बढ़ाएं जिससे कि ये आंदोलन ताकतवर बने। जिस तरह मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी है, मुझे आशा विश्वास है, मैं भीम आर्मी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस देश में जो रुका हुआ आंदोलन है महापुरुषों का, जो सपना है बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का, उसको पूरा कराने में मदद करेंगे, अपने जीवन के संघर्ष का योगदान देके, अपना अमूल्य समय देके, अपने धन और अपनी जो एनर्जी है उससे आंदोलन को मजबूत करेंगे। पुनः बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना है, ऐसे ही सहयोग और ताकत बना के रखिए, आने वाला कल आपका है, नौजवानों को लीडरशिप मिलेगी, उनको काम करने का मौका मिलेगा और भी आज़ाद समाज पार्टी के इस दल के जरिए हम अपना बल बना के अपनी समस्याओं का हल करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, आप सभी के लिए मंगल कामना।